चलो बच्चों, देख सकते हो तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ अस्थि रचना के बारे में। करो बच्चों, क्या सजीवों में सजीव के शरीर में पाए जाने वाले विविध अवयव कौन से? बच्चों क्वेश्चन क्या बच्चों, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले विविध अवयव कौन से? अवयव मतलब बच्चों अंग, अवयव मतलब बच्चों अंग। तो हमारे बॉडी में कौन कौन से अंग है बच्चों? तो बच्चों अलग अलग जीवों में अलग अलग, कोई निम्न वर्गीय जीव है बच्चों, कोई उच्च वर्गीय जीव है। निम्न वर्गीय जीव मतलब बच्चों जैसे कीड़े मकोड़े बच्चों, ये निम्न वर्गीय जीव है बच्चों। ओके बच्चों, तो जब निम्न वर्गीय जीव है बच्चों तो उनमें कम अंग होंगे बच्चों, और जैसे मनुष्य बच्चों और जो बाकी चार पहले वाले जानवर है बच्चों, गाय भैंस शेर ऐसे बच्चों उच्च वर्गीय जीव है। तो उच्च वर्गीय जीव बच्चों उनमें अनेकों अंग होते हैं बच्चों। ओके बच्चों, निम्न वर्गीय सजीव में बच्चों, निम्न वर्गीय मतलब छोटे सजीव बच्चों, छोटे जीव मतलब बच्चों पशु पक्षी और भी बच्चों कीड़े मकोड़े जो है ओलो बच्चों। तो उच्च वर्गीय सजीवों में भिन्न भिन्न अंग अवयव होते हैं बच्चों, अलग अलग अंग होते हैं बच्चों जो विशेष कार्यों के लिए निर्मित हुए होते हैं। अब बच्चों जैसे कि वक्षी गुहा, वक्षी गुहा, वक्ष मतलब बच्चों सीना, वक्ष यानी सीना। अच्छा बच्चों, तो वक्षी गुहिका में बच्चों हृदय और फेफड़ा होता है। तो हमारे सीने के पास बच्चों क्या होता है बच्चों, हृदय और फेफड़ा होता है बच्चों। ओके बच्चों, सिर की खोपड़ी में क्या होता है बच्चों, मस्तिष्क होता है। और उदर गुहिका, उदर मतलब बच्चों पेट, उदर मतलब बच्चों पेट, और गुहिका मतलब अंग। तो उदर तो पेट के अंग में क्या क्या पाया जाता था, पेट, आंत, यकृत और वृक्क होते बच्चों। तो पेट तो मान लो बच्चों, आंत और यकृत का काम क्या बच्चों, हमारे भोजन को पाचन क्रिया करना। और वृक्क मतलब मालूम बच्चों, वृक्क क्या होता है, किडनी, किडनी सुने ना बच्चों, तो वृक्क का वृक्क है किडनी बच्चों। किडनी का क्या काम है बच्चों, हमारे शरीर के जो गंदे पदार्थ है बच्चों उसको साफ मतलब शरीर से बाहर निकालना बच्चों, ये वृक्क का काम बच्चों। ब्लड बच्चों, ब्लड से को छानने का काम करता है, ब्लड को छाना जाता है बच्चों, और छानने में जो गंदे चीजें होती है बच्चों उसको शरीर से बाहर निकालने का काम होता है वृक्क का बच्चों, वृक्क यानी किडनी के बच्चों। तो ये सब हमारे महत्वपूर्ण अंग है बच्चों। तो उच्च वर्गीय वनस्पति सजीव बच्चों अनेकों अंग होते हैं बच्चों, और उनके अलग अलग कार्य होते हैं। वक्षी गुहा मतलब होता है सीने के पास बच्चों क्या होता है, हृदय और फेफड़ा होता है। हमारे सिर के खोपड़ी के अंदर क्या होता है बच्चों, मस्तिष्क होता है। उदर गुहा का पास क्या होता है बच्चों, उदर मतलब आगे का हिस्सा जो है पेट के हिस्सा है बच्चों, वहां पे क्या होता है बच्चों, पेट, आंत, यकृत और वृक्क होता है बच्चों, वृक्क यानी किडनी बच्चों। ओके बच्चों, और फिर बोला गया बच्चों, क्या शरीर का प्रत्येक अवयव शरीर के उपयोगी होते हैं? क्या शरीर के जो सारे अंग है बच्चों सब उपयोगी हैं? यस, 99% बच्चों सारे अंग जो होते हैं उपयोगी होते हैं। एक अंग को छोड़ के बाकी सारे अंग का हर एक महत्वपूर्ण काम होता है बच्चों, और कोई भी अंग एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, अकेला काम नहीं कर सकता बच्चों, हर एक अंग का एक दूसरे से जरूरत है। तो क्वेश्चन था कि क्या शरीर के सभी अंग उपयोगी है बच्चों? तो हाँ, शरीर का प्रत्येक अंग बच्चों सजीवों के लिए जीवित रहने के लिए बहुत उपयोगी है, हर एक अंग बच्चों। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाथ का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, आंख का इम्पोर्टेंस कम है, हमारे सभी अंगों का इम्पोर्टेंस बराबर है बच्चों। ओके, जैसे बच्चों मस्तिष्क सभी अंगों को नियंत्रण और समन्वय करता है, ये क्या मतलब होता है बच्चों? कभी आप बच्चों रोड पे जा रहे हो, रोड क्रॉस करना बच्चों के बीच में आके दिमाग ने ऑर्डर दे दिया पैर को कि भाई यही रुक जा, आगे मत बढ़, तो बच्चों क्या होगा? या पैर बोलेगा मैं थक गया, मैं यही अब नहीं चलूंगा, आगे नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। ब्रेन इमीडिएटली पैर को ऑर्डर देता है बच्चों क्या, कि सामने से गाड़ी आ रहा है, अगर नहीं जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इससे जल्दी आगे पीछे निकल, पीछे हट जाए तो आगे बढ़। ओके बच्चो, दैट मीन्स यानी मस्तिष्क जो बच्चों सभी अंगों को नियंत्रित करता है बच्चों। मान लो बच्चों ये कौन सा कलर है, ब्लू कलर है, हाँ मेरा आंख बोल रहा है कि ब्लू कलर है, दिख रहा है बच्चों आंख में ब्लू, लेकिन फिर भी मुंह बोल रहा है नहीं नहीं ये रेड कलर है। इमीडिएटली यार मेरा ब्रेन बच्चों मेरे मुंह को ऑर्डर देगा कि बच्चों पागल, रेड कलर नहीं ब्लू कलर है। इसका तो ब्रेन का काम क्या है बच्चों, नियंत्रण, कंट्रोल करना बच्चों। सीपीयू सुने बच्चों, सीपीयू क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है बच्चों। वैसे मस्तिष्क हमारे सभी कामों को कंट्रोल करता है बच्चों, नियंत्रण, ठीक है बच्चों। और समन्वय, समन्वय मतलब एकजुटता। अभी क्या आता बच्चों, कभी कभी आप स्कूल से बचपन में आपने किया, मैं भी किया हूं बच्चों, आप लोग भी किए होंगे स्कूल से आने के बाद। ओके बच्चों, जैसे आपका घर गली में आता है बच्चों, आप वो गली में ना घुस के बल्कि दूसरे के गली में घुसने की कोशिश करते हो बच्चों जानबूझ के,
फिर भी आपका पैर क्या है बच्चों, आप जान बुझ के आपका पैर अपने गली में नहीं दूसरे गली में डालने की कोशिश करते हो, फिर भी आपका दिमाग बोलता नहीं नहीं भाई पागल हो गया, गली मेरा इधर है, मेरा घर इधर है। आंख बंद करके कभी कभी खाने की कोशिश करते हो बच्चों, फिर भी आपका हाथ आपके मुंह में ही जाता है बच्चों। ओके बच्चों, ये बच्चों समन्वय, यानी हाथ आंख मुंह इन सभी को मिला के काम कर, तालमेल बच्चों। तो समन्वय होता है तालमेल, जैसे मैच खेलते हो ना बच्चों, अगर मान लो बैट्समैन और बॉलर के बीच में अच्छा तालमेल नहीं रहेगा बच्चों, बैट्समैन ने 450 रन बना दिया, लेकिन बैट्समैन और बॉलर के बीच में WWF है बच्चों, अपनी टीम के बैट्समैन और बॉलर में WWF है, तो बॉलर बोले अच्छा ठीक है देखता हूँ तो 450 बनाना, देखता हूँ कैसे मैच जीतता है। अब बॉलर बॉलिंग डालने आया और हर ओवर में दो दो छक्का खा रहा है बच्चों, हर ओवर में दो दो छक्का सामने वाले बैट्समैन को मारने दे रहा है, तो क्या होगा बच्चों, मैच 30 ओवर में खत्म हो जाएगा, जीत जाएंगे लोग। ओके बच्चों, इसका मतलब सभी अंगों में नियंत्रण और समन्वय होना चाहिए। ओके बच्चों, वैसे बच्चों फेफड़े का काम क्या है बच्चों, फेफड़ा हमारे श्वसन क्रिया को करता है बच्चों, हम जो सांस लेते हैं बच्चों वो फेफड़े द्वारा होता है बच्चों। और हृदय का काम क्या है बच्चों, रक्त परिसंचरण, क्या होता है रक्त परिसंचरण मतलब बच्चों, बोलते सांस लेते बच्चों तो ऑक्सीजन जाता है हमारा, और सांस छोड़ते तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है बच्चों, तो जब ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों तो हमारा रक्त क्या होता है शुद्ध होता है बच्चों, और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते बच्चों जो गंदा रक्त होता है उसका कार्बन बाहर निकलता है बच्चों, तो रक्त को शुद्ध करने का अंग किसका होता है बच्चों, हृदय का। हृदय का काम है बच्चों हमारे ब्लड को शुद्ध करना, शुद्ध रक्त को शरीर के बॉडी तक पहुंचाना, और जो अशुद्ध रक्त है उसको शरीर से हृदय तक लेके आना बच्चों। हृदय का काम है जो फिल्टर, फिल्टर सुने बच्चों, गंदे पानी को फिल्टर करके पहुंचाना बच्चों, वैसे हृदय भी क्या करता है बच्चों, रक्त को फिल्टर करता है बच्चों, गंदे रक्त को शुद्ध करके पहुंचाता है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, फिर क्या बच्चों, वृक्क, वृक्क क्या बच्चों, किडनी, वृक्क यानी क्या होता है बच्चों, किडनी, ये क्या करता है बच्चों, रक्त को छानकर नाइट्रोजन युक्त गंदे, नाइट्रोजन मतलब जो भी बच्चों जो मलमूत्र है बच्चों हमारे शरीर के अंदर गंदे पदार्थ, उसको नाइट्रोजन बोलते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होता है, तो वृक्क रक्त को छानकर नाइट्रोजन युक्त गंदे पदार्थ को उत्सर्जन करना, आपने 8वीं 9वीं में पढ़ा रहेगा उत्सर्जन क्रिया, उत्सर्जन यानी शरीर से गंदे चीजों को बाहर निकालना बच्चों, ये काम किसका होता है बच्चों, वृक्क का होता है बच्चों। और ये सभी लोग अपना अपना काम बच्चों, क्या ये लोग स्ट्राइक पे जाते हैं बच्चों, देखते बच्चों मजदूर लोग स्ट्राइक पे जाते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, क्या ये लोग भी स्ट्राइक पे जाते बच्चों, नहीं, ये लोग एक ही बार स्ट्राइक पे जाते बच्चों, जब फैक्ट्री बंद होता है, तो कौन सा फैक्ट्री, मनुष्य का फैक्ट्री जब बंद होता है बच्चों, सजीव का फैक्ट्री बंद यानी डेथ हो जाता है बच्चों, तभी ये लोग स्ट्राइक पे जाते बच्चों। और समझ लेना कि जिस दिन ये लोग स्ट्राइक पे गए बच्चों, उस दिन डेथ होगा बच्चों, सुनते रहो न्यूज में बच्चों या टीवी पर किडनी फेल हो गया है, वो कहते हैं जब तक नया किडनी नहीं मिले तो उसका जीना मुश्किल है, हृदय काम नहीं कर रहा, हार्ट अटैक आ गया है, इसका मतलब अगर इस शरीर के सभी अंग बच्चों स्ट्राइक कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे बच्चों, तो फिर जीवित रहना संभव नहीं है बच्चों, इसलिए सजीव के सारे अंग बच्चों जीवित रहने के लिए जरूरी होते हैं। ओके बच्चों, लेकिन कुछ ऐसे अंग होते हैं बच्चों जो कुछ काम के नहीं है, जैसे कि आंत्र पुष्कल ने बताया था अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बच्चों हमारे मनुष्य के काम के नहीं है, अकल दाढ़ बच्चों बताया था मैंने आपको, अकल दांत बच्चों जो एक मांसपेशियों की तरह होता है, ये दो ऐसे अंग होते हैं जो हमारे मनुष्य के शरीर के लिए कोई काम नहीं है बच्चों। ओके बच्चों, अरे लेकिन बाकी सारे अंगों के कार्य होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो आगे चलो बच्चों, मैं ते तो था बच्चों बाह्यरूपी ना, बाह्यरूपी प्रमाण मतलब शरीर के बाहरी रचना को देख के हमको प्रमाण मिलता है बच्चों थोड़ा बहुत। ओके चलो, और देखते क्या शरीर के अंदर की बनावट एक जैसा है क्या बच्चों। तो शरीर के अंदर की बनावट के बारे में सोचते बच्चों हम लोग, शरीर विज्ञान का प्रमाण बच्चों, शरीर विज्ञान मतलब अंतर रचना का प्रमाण बच्चों। पहला क्या था बच्चों, बाह्यरूपी ना, शरीर के बाहरी आकार को देखकर। अब देखते शरीर के अंदर के बनावट को देख के बच्चों, देखो बच्चों इधर डायग्राम दिया है कुछ, ये मनुष्य की हड्डी दिया है बच्चों, ये बिल्ली के पैर दिया है बच्चों, ये देव मछली एक तरह का विशेष मछली होता है बच्चों उसके पैरों का दिया हुआ है, और ये बच्चों चमगादड़ का पंख दिया बच्चों। चारों बच्चों एक मनुष्य है, बिल्ली है, देव मछली फिश है बच्चों, और चमगादड़ है, सभी में बच्चों बाहरी रूप से देखोगे तो बहुत बदलाव है बच्चों, राइट ना।
लेकिन उनके शरीर का ढांचा देखो, हड्डी देख लो बच्चों, हमारे हड्डी के ज्वाइंट्स देख लो बच्चों, हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं बच्चे, ये ज्वाइंट्स है, ये ज्वाइंट्स है, ये जो देखते हो बच्चों, ये सब ज्वाइंट्स है। ओके, तो ये ज्वाइंट्स। उसके बाद देखो बिल्ली के पैरों के भी ज्वाइंट्स देख लो बच्चों, ये बच्चों मच्छी के फिर से उसके भी ज्वाइंट्स देखो बच्चों, और यही वैसे चमगादड़ के पंख का भी ज्वाइंट्स देखो बच्चों। तो आप पाओगे कि सभी हड्डियों में कुछ जो ज्वाइंट्स है बच्चों, उसमें कई काफी समानता पाया जाता है बच्चों। ओके, तो ये भी तय करता बताता है कि जब हड्डियों में अंदर की चीजें भी अगर में काफी समानता है बच्चों, ओके, तो ये दिखाता है कि सभी के पूर्वज कैसे रहेंगे बच्चों, एक ही रहेंगे। ओके बच्चों, तो दूसरा प्रमाण, पहला प्रमाण क्या था बच्चों, बाहरी आकार के हिसाब से वैज्ञानिकों ने बताया। फिर कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं तुम्हें गलत बोलो, बाह्य आकार से क्या। तो वैज्ञानिकों ने फिर उसके शरीर के अंदर की रचना के बारे में अध्ययन किया बच्चों। मानव का हाथ, बिल्ली का पैर, चमगादड़ के पंख, देव मछली आदि के प्रत्यक्ष रूप से कोई समान नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से बच्चों सामने से देखोगे बच्चों तो मनुष्य, बिल्ली, देव मच्छी और चमगादड़ में कोई समानता है बच्चों? कुछ नहीं, चारों अलग अलग प्रकार के बच्चों, बराबर ना। लेकिन जब उनकी हड्डियों के बारे में अध्ययन करते बच्चों तो बहुत सारी चीजें समानता मिलता बच्चों। ओके, तो उसी प्रकार प्राणियों के अंगों के कार्य में भी भिन्नता है। अब प्राणियों के अंगों के कार्य बच्चों, अभी चमगादड़ का पंख उसको क्या करना मतलब उड़ने का काम आता है, मच्छी के पैर बच्चों क्या है वो तैरने के काम आता है, बिल्ली के पैर चलने का आता है, मनुष्य के हाथ काम करने और खाने खाने के काम आता है बच्चों। सभी अंगों के काम अलग अलग बच्चों, जिसके कारण उनकी रचना में भिन्नता पाया होता है। यस बच्चों, सजीवों की बनावट के हिसाब से बच्चों, सजीवों के प्रकार, सजीवों की जीवन शैली के हिसाब से बच्चों क्या होता है, बदलाव आता है बच्चों। ओके बच्चों, तो सजीवों में जो बदलाव है बच्चों, उनके रहन सहन, उनके खान पान के हिसाब से, वहां के पर्यावरण के हिसाब से बदलाव आ रहा है बच्चों, जिसके कारण उनकी रचना में भिन्नता था। परंतु प्रत्येक अव्यय, अव्यय मतलब बच्चों अंग, अव्यय मतलब बच्चों अंग की अस्थियां, अस्थियानी बच्चों हड्डी, अस्थियानी हड्डी, हड्डी में समान, अरे तो अस्थियों की रचना में और अस्थियों के जोड़ों में समानता दिखाई। जोड़ों मतलब ज्वाइंट्स बच्चों, ये देखो बच्चों ये कलाई है, ज्वाइंट्स है, ये देखो बच्चों यहाँ पे मोड़ सकते हैं, ज्वाइंट्स है। ओके, एक कोहनी की तरह आप जोड़ सकते हैं बच्चों, तो ज्वाइंट्स है बच्चों। तो ध्यान से देखा जाएगा तो सारे ज्वाइंट्स जो बच्चों वो उसमें काफी समानता दिखाई देता है बच्चों। ओके, तो ये समानता उनके पूर्वजों के समान होने के निर्देश देते बच्चों। तो सभी जीव के बच्चों पूर्वज एक ही हो, इसका मतलब सभी जीव बच्चों एक ही हो। इसलिए हमने कल पढ़ा था बच्चों कि सबसे पहला प्राणी जो हुआ रहेगा वो सरल कोसी की प्राणी होगा बच्चों, और समुद्र में जन्म लिया रहेगा। धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ रहेगा, सरल कोशिका मिलते मिलते वो जटिल कोशिकाओं में बदलाव रहेगा बच्चों। ओके बच्चों, और फिर जटिल कोशिकाओं से जैविक और अजैविक बहुकोशी प्राणी बने रहेंगे बच्चों। ओके बच्चों, यानी ये तय होता है कि सभी के पूर्वज एक जैसे रहा होंगे बच्चों। तो पहला क्या था बच्चों, उसकी बाहरी रूप से देखकर। ओके बच्चों, उनकी बनावट, कुछ लोगों ने मानना कि नहीं नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, बाहरी रूप से क्या, बहुत सारी चीजें भिन्न भी है। तो वैज्ञानिक बोला छठी के बाद हम लोग कोई दूसरा प्रमाण देंगे। तो शरीर की उन्होंने आंतरिक रचना किया, आंतरिक मतलब शरीर के अंदर का ढांचा, हड्डियों के बारे में अध्ययन किया बच्चों। तो हड्डियों में अध्ययन किया बच्चों, तो सबके जो ज्वाइंट्स है बच्चों, सबके भले उसका आकार अलग अलग दिख रहा है बच्चों, वो आकार इसलिए दिख रहा है बच्चों क्योंकि सबके काम क्या है, अलग अलग है। चमगादड़ का काम क्या है बच्चों, उड़ने का है। मच्छी का काम क्या है बच्चों, तैरना है। बिल्ली के पैर चलने के लिए है बच्चों, मनुष्य के हाथ कार्य करने के लिए बच्चों, उस कार्य के हिसाब से आ रहे बच्चों। अब उंगलियां क्या बच्चों, देख लो उंगलियां क्या है, ताकि अगर उंगलियां बच्चों फोल्ड ना रहे तो हम कोई काम कर पाएंगे बच्चों? अगर ऐसा कैसे रहे एकदम, तो फिर तो रोबोट हो जाएंगे बच्चों। तो उंगलियों के फोल्ड होने का काम, क्योंकि हमको हर चीज पकड़ना है बच्चों कार्य करने के लिए, उंगली हमारे अलग अलग फोल्ड में है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो उनके हड्डियों में, उनके ज्वाइंट्स में काफी समानता दिखाई देता है बच्चों। तो उनके ज्वाइंट्स में समानता है बच्चों, इस वजह से भी हम कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पूर्वज कैसे रहेंगे बच्चों, एक ही रहेंगे बच्चों। समझता बच्चों आप लोगों, मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके बच्चों, चलो बच्चों कल क्या कहते हैं बच्चों, हम लोगों ने उत्क्रांति का सिद्धांत किया था ना बच्चों। क्या था बच्चों उत्क्रांति, यानी सजीवों में धीरे धीरे होने वाला बदलाव। ओके बच्चों, तो ऐसा माना जाता है कि 350 करोड़ वर्ष पहले कोई अस्तित्व नहीं था बच्चों, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ रहेगा, सरल कोशिकाओं वाले जीव बने रहेंगे बच्चों, जैविक और कुछ जीव अजैविक बच्चों। धीरे धीरे जुड़ के आ रहे हो जटिल योगी, जटिल मतलब जटिल कोशिकाओं वाले, यानी
बड़े कोशिका वाले जीव बने रहेंगे बच्चों, और धीरे 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 बच्चों यदि नए नए कोशिकाओं का निर्माण होता चला गया रहेगा बच्चों, और फिर तब से लेकर आज तक मानव जाति मीन्स अलग अलग सजीवों का निर्माण हुआ बच्चों। ये क्या था बच्चों, उत्क्रांति का सिद्धांत। लेकिन ये सब बच्चों, ये सब बदलाव जो हुआ रहेगा वो एक दिन में नहीं हुआ रहेगा, ये लंबा समय गया रहेगा। ओके बच्चों, तो ये सब चीजें हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है ना बच्चों। आज जो देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान समझना, उत्क्रांति के प्रमाण। प्रमाण मतलब बच्चों प्रूफ, एविडेंस, सबूत। अगर डार्विन ने बताया है कि बच्चों सजीवों में लगातार धीरे धीरे बदलाव आया बच्चों, अगर कोई बोलेगा तो बच्चों कोई क्या सबूत है कि सजीवों में बदलाव आया रहेगा। ओके, तो जो भी वैज्ञानिकों ने बताया कि सजीवों में जो भी धीरे धीरे बदलाव आया रहेगा उसके पीछे बहुत सारे उन्होंने सबूत भी दिया बच्चों, उसे बोलते प्रमाण बच्चों। प्रमाण यानी एविडेंस, प्रूफ। ओके बच्चों, तो उत्क्रांति के लिए अलग अलग प्रमाण है, देखते बच्चों पहला क्या है। बाह्य रूपकीय प्रमाण, आकारिक प्रमाण, आकार बच्चों, बाह्य रूपी आकार देख लो बच्चों। अगर बच्चों अगर मनुष्य और जानवर का ले लो बच्चों, जैसे हम लोग का देख लो बच्चों, अपना नाक मुंह पूरा फेस का देख लो बच्चों, दो आंख बच्चों, उसके सेंटर में नाक पड़ रहा है। ओके बच्चों, उसके नीचे मुंह है। तो बाकी जानवरों में भी तो ऐसे बच्चों, कुत्ते का देख लो बच्चों, तो डायग्राम दिया है, दो आंख है, फिर नाक सेंटर पे, मुंह नीचे। दूसरे लोमड़ी उमड़ी का देख लो तो उसका भी, भेड़ देख लो बच्चों तो उसका भी यही हालत है। गाय भैंस का देखो तो भी बच्चों, दो आंख है, फिर बीच में नाक है, फिर उसका मुंह है। एक क्या बताता है बच्चों, भले मनुष्य हो, कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, बाकी सभी जीव हो बच्चों, सभी की बनावट में बहुत समानता दिख रहा है बच्चों। वैसे फल भी देखोगे बच्चों तो सभी फल के जो पत्ते हैं बच्चों, वो पत्तों में भी विशेष समानता दिखता है। पत्तों का डिजाइनिंग का भी भले अरे अरे, लेकिन देखोगे तो बीच का लाइन बच्चों पत्तों पर वो सेम जैसा दिखता है। फलों का जो गुच्छा होता है बच्चों, लटकते हुए फल, एप्पल का भी देखो तो गुच्छे में रहता है बच्चों, आम भी गुच्छे में हो जाता है, वो सब समानता दिखाता है बच्चों। तो ये सब बताता है कि ये सब शायद सदियों पहले आधे एक ही मूल में रहे होंगे, और फिर धीरे धीरे वो बदलाव आया रहेगा बच्चों। ओके बच्चों, इसे बोलते हैं बाह्य रूप की प्रमाण। तो सजीव में बहुत सारी चीजें बच्चों जो ये प्रमाण बताता है कि हम सभी के पूर्वज एक जैसे थे बच्चों। ओके बच्चों, तो देखो दिया क्या बच्चों, इधर पे प्राणियों के मुख की रचना बच्चों। यस, प्राणियों के मुंह का मैंने बोला आपको, खोचो सभी प्राणियों के मुंह की रचना देखोगे। यहां तो तीन ही जानवर दिया बच्चों, आप मनुष्य का भी ले लो बच्चों, गाय भी ले लो, बकरी ले लो बच्चों, सभी जीवों का मुंह का अगर रचना देखोगे बच्चों तो करीब करीब उसमें काफी समानता दिखता बच्चों। ऐसा कभी किसी जानवर का देखे बच्चों कि आंख नीचे हो, नाक ऊपर हो, मुंह दाएं साइड में हो, कान दोनों एक ही तरफ, ऐसा कभी देखे हो बच्चों? नहीं। क्यों? क्योंकि अरे सभी सजीवों की जो बनावट है वो एक जैसा है बच्चों। ओके, तो प्राणियों के मुख की रचना, आंखों का स्थान, नाकों का छिद्र बच्चों, नाकों में छेद बच्चों, तो दो नाकों में दो छेद है बच्चों, सभी जानवरों में नाकों में दो छेद है बच्चों। कान की रचना बच्चों, शरीर के ऊपर घने बाल बच्चों, तो शरीर पे जानवरों पे भी घने बाल होते हैं, तो मनुष्य पे भी घने बाल होते हैं बच्चों, घने मतलब बाल होते हैं। लेकिन क्या बच्चों, आदि समानताएं है जो बच्चों सभी प्राणियों में एक जैसा है बच्चों। ओके बच्चों, वैसे पत्तियों का भी क्या है बच्चों, पत्तियों का भी आकार देखोगे बच्चों, पत्तियों को ध्यान से अगर तोड़ दो अलग अलग, देखो बच्चों यहाँ पे दिया पेरू का पत्ती दिया है, ये बच्चों ऑरेंज की पत्ती दिया बच्चों, ऑरेंज या कुछ दिख रहा है बच्चों, और ये आम है। सभी पत्तियों का देखोगे बच्चों तो उसकी बनावट एक जैसा होता है बच्चों। अब क्या करो, तीन चार अलग अलग प्रकार की पत्तियां ले लो बच्चों, उसको सूखने दे दो, सूखने के बाद देखोगे बच्चों तो सूखने के बाद जैसे मनुष्य की हड्डी होता है बच्चों, वैसे उन पत्तियों का भी देखोगे तो ढांचा एक जैसा करीब दिखेगा बच्चों। तो पत्तियों का आकार, सिरा विन्यास, सिरा विन्यास मतलब उसका बनावट बच्चों, पत्तियों का बनावट मीन बच्चों ऐसा, ये जो बनावट है बच्चों ये वाला, तो ये देखो ये दंड, ये सब, तो इसको तो सिरा विन्यास बच्चों। पर्ण दंड, पर्ण दंड मतलब ये पर्ण दंड है बच्चों। पत्तियों की रचना, ये सब में भी क्या होता है बच्चों, समानता दिखाई देता है, इससे स्पष्ट होता है बच्चों कि समूह में समानता है। इसी कारण इनका उद्गम स्थान समान हो, उद्गम मतलब बच्चों यहां से इनकी उत्पत्ति हुआ रहेगा, उद्गम मतलब सभी सजीवों की उत्पत्ति सब एक ही जगह से हुआ रहेगा बच्चों, इसलिए बोलते हुए सबका मालिक एक है।
और वे एक ही पूर्वज की उत्क्रांति हो रही है, यानी सारे जीव बच्चों चाहे पत्तियां हो या ये हो सभी यारे एक ही पूर्वज से उत्पत्ति हो रहेगा। करोड़ों साल पहले बच्चों हम सभी का चाहे कुत्ते हो, बंदर हो, बिल्ली हो, चूहा हो, मनुष्य हो, सांप हो, ओके बच्चो, इन सभी के पूर्वज 350 करोड़ साल 400 करोड़ साल पहले क्या रहेंगे बच्चों, एक ही जीव रहा होगा, उसी से धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया रहेगा बच्चों, अब पर्यावरण के हिसाब से बदलाव आया रहेगा बच्चों। ओके बच्चों।